चेन्नई से रजिया हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो हाँ जी जी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। जी जी रजिया, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। अच्छा, वालेकुम सलाम सर, मेरा बेटा 22 साल का है, 22 ईयर्स का है। 22 साल का बेटा हाँ, है थोड़ा सा जोर से जी। बोलेंगे तो बड़ा हमें आसानी हो हाँ, जाएगी। मेरा बेटा 22 ईयर्स का है सर। जी इसको लास्ट ईयर से पैर पे फोड़े आए हैं, छोटे छोटे फोड़े आए हैं पैर कहाँ पर? पे, पैर पे, पाँव पे, पाँव पे? ठीक लेग पे, एड़ी के ऊपर से। है, ठीक ठीक है, और कुछ बोलना। तो मैं डॉक्टर के पास बताई हूँ, एंटीबायोटिक दिए है, मगर ये थोड़ा लेट से कम होता, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है बोल के बोले, सॉक्स छोटे सॉक्स पहनो बोल के बोले, वो करे स्कैन भी निकाले पैर का, यहाँ से ऊपर पेट के पास से नीचे तक पैर का स्कैन निकाले है, कुछ भी नहीं, पूरे नॉर्मल है, रिपोर्ट थायराइड शुगर तो नॉर्मल है, बहुत मगर वो लेट से कम होता बोल के बोले, 1.5 ईयर हो रहा, अब आके वो फोड़े आके घट पत्थर के सर के बने हैं, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको इंजेक्शन देके उसको कम करना बोल के बोल रहे हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है फ्यूचर में? नहीं, आपके पास कोई नुस्खा है ठीक बताइए। है। हाँ, देखिए, एक नुस्खा है बड़ा अच्छा, और आप समझ लीजिए वो क्या है। ये जो कलौंजी आती है ना, हमारे किचन में कलौंजी आप भी यूज़ करते होंगे, इसका नमक आता है। अच्छा, वो जायके में नमकीन नहीं होता, लेकिन देखने में नमक होता है। ये उसका एस्टेक होता है, यानी उसके जो दबाव वाले गुण हैं वो होते हैं। देखने में सफ़ेद, जायके में खारे पानी जैसा। पानी में मिला लीजिए, आधा ग्राम रोज़ाना एक गिलास पानी मिलाइए, बच्चे को पिलाया करिए, और एक गिलास पानी मिला के पिलाएं, और 2 गिलास पानी उसके बाद पिलाएं। ऐसी एक या दो खुराक रोज़ाना दिया करें, आपके बच्चे बिल्कुल प्योर हो जाएगा। उसका खून वगैरह, स्किन, और ये जो आंवले उनके हुए हैं और ये फोड़े वगैरह, इनके लिए ये विश्व का अच्छा इलाज माना जाता है। आप इसे इस्तेमाल करें और बच्चे को फायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से हमारे साथ, संगीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्ते जी, आदाब संगीता जी। जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरा नाम संगीता है, उम्र मेरी 61 साल है, जी और मेरा बीपी हाई हुआ था जी 6 साल पहले, तो तभी से मैं सोन की गोली ले रही थी, तो उसके बाद बीपी तो नॉर्मल आ गया, लेकिन कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या मैं ठीक हो सकती, मेरी गोली छूट सकती है? और दूसरा, मेरे गले की ना आवाज खराब रहती है, थायराइड हुआ था, लेकिन जो आपने मुझे नुक्ता बताया था, थायराइड तो नॉर्मल हो गया, लेकिन आवाज अभी अच्छी तरह से सही नहीं हुई, तो दोनों बीमारियों का मुझे कोई घरेलू नुक्ता बता दें। जरूर बताऊंगा। और थायराइड तो आपका कंट्रोल हुआ है, आवाज़ भी सही होनी चाहिए। और देखिए, बीपी से निजात मुमकिन है, ये खुशखबरी है बीपी वालों के लिए। अच्छा, मुमकिन कैसे है? उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, नींबू का रस निकालना है 1 लीटर। थोड़ी मेहनत है, लेकिन इसको मेहनत करके आप इतना इत्मीनान होगा जब आपको फ़ायदा हो जाए कि हाँ, मैंने कोई दवा बनाई और उससे मुझे फ़ायदा मिला, और कोई दवा सीख ली मैंने। नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर, और लहसुन का रस 1 लीटर, ये आप निकालें, और जैतून का सिरका 1 लीटर हासिल करें असली, और इन सबको मिला दें। अब ये 3 चम्मच सुबह नाश्ते के पश्चात और 3 चम्मच शाम खाने के बाद, और इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर जो घर में बनाया हो वो मिला लिया करिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर, बस ये आप लेंगे, और ये नुस्खा ख़त्म होते होते, 5 महीने चलता है ये नुस्खा, ख़त्म होते होते आपका बीपी से निजात मुमकिन है। गोली खाते रहें और उस पर नज़र रखें, आप देखेंगे कि एक दिन आपको बीपी से निजात मिलना मुमकिन है। सिरसा से रीता हमारे साथ, स्वागत है रीता आपका, हाँ जी मैम, बोलिए। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार।
हाँ जी, मेरे को थिंकिंग बहुत आती है, उम्र मेरी 40 साल है। ठीक है। हाँ जी जी, मतलब जुकाम सा रहता है जी। बेटा देखो, छींक आने वाले को इस वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए और खट्टी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। गर्म पानी 5 बार पीना चाहिए और इसका इलाज मुस्तकिल तौर पर कर लेना चाहिए। आर्जी तौर पर भी इलाज बताता हूँ, मुस्तकिल तौर पर भी इलाज बताता हूँ। और देखिए, आप लीजिए अलसी, उन्नाप और सपिस्तान, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें और 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, जो आपके किचन में गरम मसालों में लंबी लंबी काली काली पतली पतली पाई जाती है, 30 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और इसमें 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाया करें और गरम पानी पिए 5 बार। ये घरेलू नुस्खा है। वैसे इस वक्त हर शख्स को, चाहे वो रोगी हो या निरोगी हो, उसको एक दवा के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि ये इम्यूनिटी की दवा है। जिसमें भी इम्यूनिटी है या नहीं है, उसको एक खुराक ज़रूर खानी चाहिए, ताकि हम जो इस वक्त माहौल चल रहा है, पूरी भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक सा वायरस का माहौल है, ये इम्यूनिटी की दवा है। एक रोटी कम खाएं अगर हालात नहीं हैं, लेकिन एक खुराक ज़रूर खाएं, माजून आर केयर। और जो लोग अच्छे हालात के हैं वो सुबह शाम भी ले सकते हैं। ये अंदर का सैनिटाइज़र है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी की दवा ज़रूर लें, हर शख्स ले, चाहे एक रोटी कम खानी पड़े मजबूरन, लेकिन ये अपनी हिफाजत करना, अपने आप को सुरक्षित करना, अपने बुज़ुर्गों को, अपने घर वालों को सुरक्षित करना बेइंतहा ज़रूरी है। जी, चेन्नई से रज़िया हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी जी, मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। जी जी रज़िया, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम सलाम सर, मेरा बेटा 22 साल का है, 22 ईयर्स का है। 22 साल का बेटा। हाँ, है। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो बड़ा हमें आसानी हो जाएगी। मेरा बेटा 22 ईयर्स का है सर जी। इसको लास्ट ईयर से पैर के फोड़े आए हैं, छोटे छोटे फोड़े आए हैं। कहाँ पर? पैर पे, पाँव पे, लेग पे, एड़ी के ऊपर पे। ठीक है, और कुछ बोलना? तो मैं डॉक्टर के पास बताई हूँ, एंटीबायोटिक दिए है, मगर ये थोड़ा लेट से कम होता, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है बोलते बोले, सॉक्स छोटे सॉक्स पहनो बोलते बोले, वो करे स्कैन भी निकाले पैर का, यहाँ से ऊपर पेट के पास से नीचे तक पैर का स्कैन निकाले है, कुछ भी नहीं, पूरे नॉर्मल है, रिपोर्ट थायराइड शुगर तो नॉर्मल है, मगर वो लेट से कम होता बोलते बोले, 1.5 ईयर हो रहा, अब आके वो फोड़े आके पत्थर के सर के बने हैं, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उसको इंजेक्शन दे के उसको कम करना बोलते बोल रहे हैं। से कुछ प्रॉब्लम है फ्यूचर में, नहीं आपके पास कोई नुस्खा है? ठीक है, बताइए। हाँ देखिए, एक नुस्खा है बड़ा अच्छा, और आप समझ लीजिए वो क्या है। ये जो कलौंजी आती है ना हमारे किचन में, कलौंजी आप भी यूज करते होंगे, इसका नमक आता है। अच्छा, वो जायके में नमकीन नहीं होता लेकिन देखने में नमक होता है। ये उसका एस्टेक होता है, यानी उसके जो दबाव वाले गुण हैं वो होते हैं। देखने में सफ़ेद, जायके में खारे पानी जैसा, पानी में मिला लीजिए 0.5 ग्राम रोज़ाना, 1 गिलास पानी में मिलाइए, बच्चे को पिलाया करिए, और 1 गिलास पानी में मिला के पिलाएँ और 2 गिलास पानी उसके बाद पिलाएँ। ऐसी 1 या 2 खुराक रोज़ाना दिया करें, आपके बच्चे बिल्कुल प्योर हो जाएगा, उसका खून वगैरह, स्किन और ये जो आबले उनके हुए हैं और ये फोड़े वगैरह, इनके लिए ये विश्व का अच्छा इलाज माना जाता है। आप इसे इस्तेमाल करें और बच्चे को फायदा मुमकिन है। लखनऊ से शिवानी हमारे साथ, स्वागत है शिवानी। यस मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मेरे पैर में स्वेलिंग है, फाइलेरिया है, तो उसके लिए कोई
ठीक है, क्या उम्र है आपकी? 34। अच्छा बच्चा, देखो है तो बड़ा मुश्किल है उसका, अगर आप समझ जाएं तो, और खतरनाक भी बहुत है, और समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझे नहीं उसका यूज़ नहीं कर सकते आप। समझ लिए आपने मेरी बात? आप हैं लाइन पर? देखिए बच्चा, एक आता है धतूरा सफ़ेद, ये जहर है, एक बड़ा खतरनाक पॉइजन है, धतूरा सफ़ेद। ज़रा सा ले लीजिए, 10-20 ग्राम खरीद लीजिए, 50 ग्राम खरीद लीजिए, और इसके समझ लीजिए खूब आंवला ले लीजिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका पाउडर बना लीजिए, और 1 चम्मच आंवला और 2 पीस इसके धतूरा सफ़ेद के चबाएं, और 1 चम्मच आंवला खाएं, और धतूरा सफ़ेद ही लेना, काला मत ले लेना, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। समझे नहीं तो कोई भी ये नुस्खा को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे, इंतहाई ख़तरनाक जहर है ये। तो ये आप इस्तेमाल करें, दो दो दाने बिल्कुल, ये मिर्च जैसे होते हैं, मिर्च के दाने जैसे होते हैं, और जायका नहीं होता इसमें। मिर्ची के दाने में तो मिर्ची लगती है, इसमें जायका नहीं होता, ये फीके होते हैं लेकिन ख़तरनाक बहुत हैं। दो दो दाने चबाएं, 1 चम्मच आंवला खाएं, और गर्म पानी पिया करें 5 बार दिन में, और 1 महीने तक लें, फिर हमें दोबारा कांटेक्ट करें। हमसे बात ना हो सके तो हमारे डॉक्टर्स को भी अपनी रिपोर्ट बता सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है गुजरात से, रंजीत हमारे साथ, स्वागत है रंजीत हाँ नमस्कार मैडम। जी। नमस्कार, सवाल आपका। मैडम मेरे को कमर में तकलीफ है, तीन कहाँ पे? चार साल से कमर। कमर में 3-4 साल से तकलीफ है। ठीक है ठीक है, बेटा उम्र दवाई बताइए। पर हमारे एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, पर डॉक्टर भी ठीक बोलता है कि दवाई चाल रखो, वजन नहीं उठाने का, ऐसा ऐसा। जी जी ठीक। और सभी कंधे पूरी हड्डी में आवाज भी आता है, और पूरा शरीर सुबह सुबह बहुत जकड़ जाता है। ठीक है ठीक है, आप देखिए डॉक्टर की एहतियात भी माने और वजन भी नहीं उठाएं, मेरी भी एक बात मान लें कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला हमारे घरों में नहीं हो तो हमें लगवा लेना चाहिए, क्योंकि हर घर में एक मरीज ऐसा होता है, और बस यही एहतियात है। अब आपको लेना है गोंद सियाह, काला गोंद, ये मुश्किल से मिलता है, नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, पिसा पिसाया कोई दे तो मना कर दो, बिल्कुल साफ पिसा पिसाया नहीं चाहिए, विश्वास मत करो, असली गोंद सियाह जो ब्राउन कलर का होता है, और जायके में इतना कड़वा होता है कि अगर एक चुटकी आपने ज़बान पर रख लिया तो बगैर कुछ मीठा खाए आपकी ज़बान कड़वी रहेगी, चाहे 2 दिन हो जाए। तो ये इसकी पहचान है, ब्राउन से कलर का होता है, गोंद काला कहते हैं या गोंद स्याह कहते हैं इसे। 100-200 ग्राम खरीद लें और पाउडर बनाएं, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम, पानी से बगैर चर्बी के, दूध से या रईस है तो जूस से भी ले सकते हैं। सबसे फ़ायदा करता है सब्र करना, 5 दिन 8 दिन 10 दिन में फ़ायदा शुरू करता है, लेकिन जब करना शुरू करता है तो फिर आदमी सोचता है कि मेरा दर्द कहाँ गया। वज़न नहीं उठाएं, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और आप खुश रहे। जी, जोधपुर से बहादुर सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका। पर हाँ जी बोलिए, सवाल करिए अपना। मेरा नस दबी हुई है, कमर में नस दबी सात हुई साल है, 7 साल हो गई करीब। कमर में दबी है? हाँ जी, कमर में दर्द है, 7 साल हो गए, नस दबी हुई है, और ये टांगों में, मतलब गोडे गोडा भी दर्द भी करते हैं, और कमर भी दर्द करती है, और गर्दन भी दर्द करती है, कंधे में भी दर्द करती है। ठीक है ठीक है, अपनी अपनी आयु बताना चाहें तो बता दीजिए। और मेरी 70 साल आयु है, और मेरी नस दबी हुई है सर। ठीक है ठीक और है। मैं 10 दिन पहले भी मैंने से बात की थी आपसे। जी, तो आपको मैंने जवाब दिया था, अगर जवाब तो मिला होगा, मेरी मेरी ओर से आपको जवाब मिला होगा ना? हाँ, आपने 300 ग्राम अलसी और 300 ग्राम आंवला और 100 ग्राम सिया गूंद, जी, तो वही लीजिए आप, और 1-1 ग्राम लेना,
आप समझ लें, कोई कोई गलती से गलत ले लेता है, तो ये गौन स्याह जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है, इसकी इससे दवाएं बनती हैं। तो इसको एक दिन में आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते एक बार में, और दिन में दो ही खुराक ले सकते हैं, लेकिन इसके मिश्रण के साथ आप एक ग्राम सुबह एक ग्राम शाम ले सकते हैं। ये आप शुरू करें, थोड़ा सब्र करें, थोड़ा संयम रखें, ये नुस्खा ख़त्म होते होते आपके सारे रोग हरना इसका काम है। भगवान से मदद मांगें और ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, उपयोग करें, तो निरोग हो सकते हैं।